हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को अगले वीडियो में जो है आप लोगों को एड्स के बारे में बतलाए थे और एड्स के जो इतिहास थे वो आप लोगों को बतलाए थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज जो आप लोगों से बात करेंगे वो एड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज जो है आप लोगों को बताएंगे एड्स क्या है, ये किसके द्वारा होता है, फिर जो है इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, फिर इनके क्या क्या किसके किसके द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, फिर इनका प्रिवेंशन क्या क्या, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहां पर एड्स, चलिए तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, सबसे पहला पॉइंट में आप लोगों को ये जो एड्स हम पर बता रहे हैं, तो सबसे पहला अपन क्या बोले, एड्स जो है, एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये आप लोगों को अगले वीडियो में बताए भी थे, तो लेकिन आप लोगों को बता दें कि एड्स जो है इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो एड्स है इनका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए हम आपसे यहां पर जो बात करेंगे उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट बोले क्या कि ये जो एड्स है या वायरस के द्वारा होने वाली यौन संचारित रोग है, ध्यान दीजिएगा। हम बोले एड्स जो है ये वायरस के द्वारा होने वाली एक यौन संचारित, एक बार बता देते हैं आप लोग, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। हम बोले कि एड्स जो है यह वायरस के द्वारा होने वाली यौन संचारित रोग है। सबसे पहले अपने क्या बोले कि वायरस जो है ये, सॉरी, ये जो एड्स है ये वायरस के द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपको क्या बोले कि दूसरा पॉइंट में बोले क्या कि ये जो वायरस के द्वारा, उस वायरस का नाम क्या, आखिर अगर ये वायरस के द्वारा होता है तो उस वायरस का नाम क्या, तो उसी वायरस का नाम है HIV। ये जो एड्स जिस वायरस के द्वारा होता है उसका नाम है HIV, जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। चलिए हम बोले क्या कि ये जो आपको बोले कि जो एड्स है, एड्स जो है वह एक वायरस के द्वारा होता है। बोले कि एड्स जो है एक वायरस के द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग है। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले, बोले एड्स जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग है। और दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि जो एड्स है ये एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है HIV, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को HIV का जो थोड़ा सा यहाँ पर जो इनके जो डायग्राम है वो हम आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहेंगे, फिर वहां से हम आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को थोड़ा HIV का जो डायग्राम वो आप लोगों को दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को चलिए
चलिए, ये जो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो ये जो कांटी के तरह के लक्षण चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और ये जो चारों तरफ में जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे दीवार जो बना हुआ है, इसी का नाम है मेम्ब्रेन। ये है मेम्ब्रेन है जिसको आप झिल्ली बोलते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर में जो ये चारों तरफ में जो आप लोगों को दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटीन। ये केवल प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। और अंदर में जो दिख रहे हैं एक दो को थोड़ा थोड़ा जो आप लोगों को दिख रहे हैं सर्कुलाकर का, इसी का नाम है आरएनए। आप लोगों को हम बताए हुए थे कि जो एचआईवी होते हैं वो एचआईवी जो है ये रेट्रोवायरस है, मतलब है इनके जो अनुवांशिक पदार्थ है, इनके जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो जेनेटिक इसके जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो पाई जाती है वो आरएनए पाया जाता है ना, मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल जो मिलेगा वो आरएनए मिलेगा, इसीलिए इनको कहते हैं रेट्रोवायरस। आप लोगों को पहले भी बताए होंगे कि रेट्रोवायरस क्या, बोले थे आपको कि ऐसी वायरस जिसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए मिलते उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कोरोना, कोरोना में जो COVID-19 जो वायरस है, ये वायरस भी जो है रेट्रोवायरस, क्योंकि इसका भी अनुवांशिक पदार्थ जो है आरएनए ही है, ठीक है। चलिए, अब जो यहाँ पर हम बात करेंगे वही आप लोगों को डायग्राम के बल दिखाना था आप लोगों को कि आप लोग देख सकते हैं इनको, और ये है, यही है एचआईवी, ठीक है। यही हमारे शरीर में जो है हम लोगों के शरीर में एड्स जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए, अब जो हम बात करेंगे आप लोगों से उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। बोले क्या कि इस एड्स जो है, इसे जो एचआईवी है जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उसको नष्ट कर देता है। और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में किस कोशिका को नष्ट करता है, तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका को। ये हमारे शरीर के जो है T4 लिम्फोसाइट जो सेल कोशिका है उसको ये नष्ट कर देती है, ठीक है। और वही हमारे शरीर के सोल्जर है, ठीक है, वही हमारे शरीर के सोल्जर्स है ना, आप लोग बताइए, वही हमारे शरीर का सोल्जर सैनिक है। जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहता है तो ये उनको मार देता है, जब प्रवेश करता है तो उनको मार के खत्म कर देता है। लेकिन एचआईवी जो है बहुत स्ट्रांग है, और ये एचआईवी जो है T4 लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है, ठीक है। ये एचआईवी बहुत स्ट्रांग है और ये T4 लिम्फोसाइट कोशिका को ही नष्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, अब जो हम बात बोलेंगे कि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, संक्रमण काल है, जो भी वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो कब तक ये अपना लक्षण दिखाना शुरू करेगा, तो आपको बता दें इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 9 महीना से 20 वर्ष का होता है, 20 इयर्स का, ध्यान दीजिए, 9 मंथ से 20 ईयर का। मतलब क्या कि अगर ये आपके साथ प्रवेश किया तो 9 मंथ तक में कुछ लक्षण दिखाई देगा, और इसका पूर्ण लक्षण जो है आप लोगों को 10 से 15 साल के बाद ही दिखाई देगा, अब बहुत में तो 20 साल तक में दिखाई देता है इसका पूर्ण लक्षण, सारा लक्षण आपके सामने में, ठीक है। चलिए, अब आपको हम बोले क्या कि सबसे पहले हम बोले कि एड्स जो है या ये वायरस के द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग। यौन संचारित का मतलब क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, को शॉर्ट में एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब क्या, ये शारीरिक संबंध द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, मतलब संभोग के जैसे कॉपुलेशन कहते हैं, उसके द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ठीक है। तो हम बोले क्या कि एड्स जो है यह वायरस के द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग है। दूसरा पॉइंट बोले कि ये जो एड्स है यह वायरस के द्वारा होता है, उसी वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको एचआईवी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल है, वह 9 मंथ से 20 ईयर का होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बोले इस बीमारी से मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाती है, और प्रतिरक्षा तंत्र जो नष्ट होने में से कौन सी कोशिका हमारी नष्ट होती है, तो उसी कोशिका का नाम है T4 लिम्फोसाइट, या तो इसी को बोलता है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इसी को कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट, या तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला क्या बोले कि जब हमारे शरीर का जब T4 लिम्फोसाइट कोशिका नष्ट हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, और वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है, जिनके वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को हम एड्स के जो है, हम इनका जो है पूरा आप लोगों को इनके इंट्रोडक्शन था वो हम आपको बताए, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों से हम बात करना चाहेंगे कुछ समय की जरूरी बातें कि बोले थे एड्स जो है, एड्स का सबसे पहले जो पता चला था वो 1981 में अमेरिका में चला सबसे पहले, ठीक है, डॉक्टर माइकल के द्वारा। बोले क्या कि एड्स का जो पता हुआ सबसे पहले वो 1981 में पता चला अमेरिका में, वो डॉक्टर माइकल के द्वारा। उनके बाद जो है वो पूर्ण तरह से वो आपके सामने में नहीं रख पाया उन्होंने, और
उनके बाद जो एड्स की पूरी जानकारी लेकर जो है एचआईवी का पूरी जानकारी लेकर जो है 1983 में जो है एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लुक मॉन्टेग्नियर, ठीक है, लुक मॉन्टेग्नियर नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने जो है 1983 में इन्होंने और इनके पूरे टीम ने 1983 में जो है आप लोगों को सारा एड्स के बारे में बताया, मतलब एड्स की जो खोज हुई वो पूर्ण रूप से अगर बोला जाए तो वो 1983 में लुक मॉन्टेग्नियर नामक वैज्ञानिक और इनके टीम ने इनका खोज किया, ठीक है। चलिए आपको हम एक जरूरी बात बता देते हैं कि अपने देश में जो एड्स आया था वो 1986 में आया था, वो सबसे पहले चेन्नई में जो है वहां पर जो बेसब्रिटी जिसको आप तवायत बोलते हैं वहां पर जो है सबसे पहले इनका पता चला था एक तवायत में कि 1986 में इंडिया में चेन्नई में सबसे पहले ये वायरस आया था, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्या कि अब जो आप लोगों को बता रहे हैं कि इनके आपका जो इंट्रोडक्शन था वो हम आप लोगों को बता दिए, अब हम बात करेंगे इनके जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स का बात करेंगे। जिसको कहते हैं लक्षण। चलिए इनके लक्षण जो इनको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहला पन में क्या बोलेंगे कि लगातार बुखार का रहना, सिर में दर्द का रहना, कमजोरी महसूस होना, भूख नहीं लगना। जब आपको भूख नहीं लगेगा तो आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर कमजोर होगा, कमजोर होगा तो आपका शरीर का वजन कम होगा। वही बोले कि अगला पन में क्या बोलेंगे, शरीर का वजन का कम होना, लसिका ग्रंथि का फूल जाना। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि आपकी जो स्मरण शक्ति है, सोचने की समझती है जो आपको क्षमता है वो स्मरण शक्ति आपकी क्षीण होने लगता है। उसके बाद आपकी जो दृष्टि क्षमता है, आपका जो विजन जो है वो दृष्टि क्षमता जो है वो धीरे धीरे क्या होता है कम होने लगता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्या बोले कि बार बार पेट खराब होना, बार बार क्या होगा पेट खराब होगा, बार बार सूखी खांसी होगा और आपके शरीर में चकते चकते जो है आपको दिखाई देगा, उसी को कहते हैं कपूसी सार्कोमा कैंसर जो है होना, कपूसी सार्कोमा कैंसर जो आप लोगों को होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो फिर हम लक्षण रिपीट करते हैं। सबसे पहला बोले कि सिर में दर्द कराना, लगातार बुखार कराना, पूरे शरीर में दर्द का रहना। बोले अगला पॉइंट बोले कि आपको कमजोरी महसूस होना, अगला भूख नहीं लगना, शरीर का वजन का कम होना, आपकी दृष्टि क्षमता का कम होना, दृष्टि क्षमता का क्षीण होना। अगला बोले आपके स्मरण शक्ति का क्षीण होना। अगला बोले पॉइंट बोले आपको जो है बार बार खांसी की खांसी होना, बार बार पेट खराब होना, ठीक है, और आपके शरीर पे जो है चकते चकते जो है आपको बनेगा, उसी कहते हैं मतलब आपको घाव तरह का बनेगा, आपको उसको चकते चकते बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपका उसी सार्कोमा कैंसर का होना, ठीक है। और आपको बता दे कि उसी में जो है आप लोगों का जो है आपकी जो लसिका ग्रंथि है वो फूल जाएगा, ठीक है। अब और लास्ट में आपको बता दें आपके शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होना, मतलब आपकी प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ये इसकी मुख्य लक्षण है, ठीक है। हम आपको बोले क्या एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले सिर में दर्द का रहना, दूसरा पॉइंट में आपको हम बताए कि लगातार बुखार का रहना, बार बार खांसी का होना, भूख नहीं लगना, ठीक है। अगला पॉइंट भूख नहीं लगना, पूरे शरीर में दर्द का रहना। अगला पॉइंट कमजोरी महसूस होना। अगला पॉइंट बोले स्मरण शक्ति का क्षीण होना। अगला पॉइंट में बोले आपको कि आपकी दृष्टि क्षमता का कम होना। फिर अगला पॉइंट में आपको बोले आपकी जो लसिका ग्रंथि है उसका फूल जाना, बार बार पेट खराब का होना। उसके बाद फिर हम आपको बताए कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, वीक होना। उसके बाद फिर आपको बताया कि आपके शरीर में चकता चकता जो है वो संरचना दिखाई देने लगे जिसको कपूसी सार्कोमा कैंसर कहते हैं, ठीक है, वही कपूसी सार्कोमा कैंसर का होना। चलिए आपको हम यहां पर सिम्टम्स से बता दिए, अब हम बात करेंगे इनके जो संचरण है, इसका जो ट्रांसमिशन जिसको आप संचरण कहते हैं। चलिए अब संचरण में क्या बोले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट में इसमें जो ये फैलता है एक व्यक्ति से व्यक्ति, आप लोगों को पहले भी बता चुके थे कि ये जो एचआईवी जो है ये शरीर में आप लोगों के जो कुछ खास लिक्विड है जैसे आपके शुक्राणु हो गया, शुक्राणु के जो तरल पदार्थ है उसमें पाई जाती है, फिर जो जिसको आप सीमेन बोल सकते हैं, शुक्राणु नहीं बोल सकते हैं सीमेन बोल सकते हैं, जिसको बीरी बोलते हैं बीरी में, उसके बाद आपके जो ब्लड है उसमें पाई जाती है। आप लोग बता दें कि आंसू हो गया, पसीना हो गया, उसके बाद फिर आपके जो पेशाब, इसमें नहीं के बराबर में एचआईवी रहते हैं, नहीं के बराबर में, ठीक है। तो आपको हम बता दिए
कि ये वायरस जो मुख्य रूप से जो है वो पुरुष में जो है वो वीर्य में रहते हैं, दूसरा हो गया किसा ब्लड में, और महिलाएं में जो वेजिनल फ्लूड होते हैं जो यूनि जो तरल पदार्थ थे उसमें पाई जाती है, फिर जो है उसके ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला इनके जो संचरण होने का कारण है वो अनैतिक यौन संबंध बनाने से, मतलब कि एक से ज्यादा पुरुष महिलाओं के साथ जो शारीरिक संबंध बनाते हैं उनके दौरान यह फैलता है, मतलब एक से ज्यादा है ना, वही बोले अनैतिक यौन संबंध बनाने से होती है, मतलब किसी से भी किसी अनजान आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने, जिसको जान नहीं रहे कि उसको क्या है, किस तरह हंसन कैसा है, कहाँ कहाँ जाता है ना, तो ये अनैतिक यौन संबंध बनाने से होता है। ठीक है, दूसरा एक ब्लेड से कई आदमियों का दाढ़ी बनाने से होता है, मतलब एक ब्लेड अगर कोई आदमी एड्स से ग्रसित है और उनका क्या कि हम लोग दाढ़ी उनका बनाए एक ब्लेड से। ठीक है, और देखिए आपको बता देता है दाढ़ी बनाते समय कहीं ना कहीं पार्ट्स कटता है। ठीक है, और उस दौरान जो उनके ब्लड भी निकलती है वो ब्लेड में लगेंगे, अब फिर जब दूसरा व्यक्ति का उसी ब्लेड से दाढ़ी बनाते हैं तो वो ब्लेड से जो फिर उनका कहीं भाग कटेगा, अब फिर उनके वहां पर कटा हुआ भाग में वहां जो जो है उनमें जो ब्लड थोड़ा लगेगा तो उनमें जो एचआईवी होगा वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगला हम क्या बोले आपको, सबसे पहला बोले आपको कि अनैतिक यौन संबंध बनाने से, दूसरा एक ब्लेड से कई आदमियों का दाढ़ी बनाने से। ठीक है, अगला एक सिरिंच और एक सुई से कई आदमियों को इंजेक्शन देने से, जैसे कि एक डिस्पोजल है एक सुई है और उनसे कई आदमियों को इंजेक्शन दे रहे हैं एक ही से, तो उनसे भी ये फैलता है। ठीक है, वही बोले अनैतिक यौन, इसे जो एक ब्लेड और सॉरी एक डिस्पोजल जिसको आप सिरिंच बोलते हैं, एक सिरिंच और एक सुई से कई आदमियों को इंजेक्शन देने से भी ये फैलता है। ठीक है, अगला बोले क्या कि एड्स से ग्रसित जो महिलाएं हैं, एड्स से जो ग्रसित महिलाएं हैं उसके द्वारा बच्चे को जन्म दे, मतलब वो जो बच्चे को जन्म देंगे तो बच्चे में भी जो है ये एचआईवी होगा। ठीक है, ये बच्चे में भी जो एचआईवी होगा, क्योंकि वो माँ के पेट में रहते जब तो गर्भाशय से और माँ के बीच में वो बच्चे और गर्भाशय के बीच में कनेक्शन रहता है, एक जुड़ा हुआ एक मांसपेशी रहती है जिसको आप प्लेसेंटा को बोलते हैं, अपरा बोलते हैं ना, तो उस दौरान जो है उनसे जो है उनको भोजन वोजन जो मिलते हैं माँ के शरीर से ही मिलता है, तो उस दौरान एचआईवी उसमें प्रवेश करेगा और बच्चा भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो हम आगे का बात कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला बोले क्या कि ये जो अगला फैलने का कारण आप लोगों को बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे हम जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोग संथाल परगना में रह रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर जो है आदिवासी सब जो समुदाय के आदमी जो है वो सब कोई टैटू बनवाते हैं, जिसको आप लोग एक तरह से आप लोग उनको टैटू हम लोग बोलते हैं, उनको उसको गोदना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही सुई से बहुत सारा जो है उन्होंने बनाया जाता है, बहुत सारा आदमी को बनाया जाता है, उनसे भी ये फैलता है। ठीक है, चलिए आपको बता दिए सबसे पहला फैलने का अनैतिक यौन संबंध बनाने से, दूसरा बोले आपको कि एक ब्लेड से कई आदमियों का दाढ़ी बनाने से, फिर अगला आपको हम बताएं कि एक डिस्पोजल और एक सुई से कई आदमियों को इंजेक्शन देने से, फिर आपको बताएं आपको हम कि जो गोदना करते हैं ना तो एक सुई से करते हैं उसके द्वारा, फिर अगला कि बिना जांच किए रक्तदान करने से, जब भी रक्तदान किया जाना चाहिए तो उनको उनका पहले ब्लड का चेक जांच होना चाहिए कि ये एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी निगेटिव है ना, अगर पॉजिटिव होता है तो उसको ब्लड मतलब रक्तदान नहीं करना है, अगर निगेटिव होता है तो रक्तदान करना है। ठीक है, वही बोले तो बिना रक्त जांच किए रक्तदान करने से भी ये फैलता है। ठीक है, और आपको हम बता दें कि अंग डोनेट करने से भी होता है कि अंग जो डोनेट करेंगे तो पहले आपको उसका एचआईवी टेस्ट होना चाहिए, तभी आप लोग अंग ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, शरीर का अंग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम बता दिए कैसे कैसे फैलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इनके जो रोकथाम है प्रिवेंशन है उस पर बात करेंगे, कैसे इसको रोका जाए, तो हम इनका बात बोलेंगे प्रिवेंशन का, जिसको रोकथाम कहते हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं एड्स का ना तो अभी तक कोई वैक्सीन बना, ना ही इसका दवाइयां बनाई हुई कंप्लीट रूप से जो कि एचआईवी को खत्म कर पाए, ऐसा कोई दवाई नहीं बना हुआ है। ठीक है, जो भी दवाई बना हुआ है जो है उनको क्या करता है, ये एचआईवी के कार्य करने की दर की क्षमता को धीरे कम करता है, कुछ समय के लिए कम करता है, कुछ नहीं, और ये खत्म नहीं कर सकता है, आपको बता दें, क्योंकि एड्स का अभी तक कंप्लीट दवाइयां नहीं बनी हुई है। ठीक है, चलिए तो हम इन पे देखिए, आप तो दवाई बनी नहीं तो आप तो बच तो सकते नहीं, जिनको हो गया तो उसको वो तो मरेगा ही, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप नहीं होने दे सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति में फैलने से रुका जा सकता है, तो आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि अनैतिक यौन संबंध बनाने से बचना, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाने से बचना पहला, दूसरा एक व्यक्ति से एक ही आदमी का दाढ़ी बनाना, एक ब्लेड से जो है एक ही व्यक्ति का दाढ़ी बनाना है। ठीक है, दूसरा एक डिस्पोजल यानी कि एक सिरिंज और सुई से एक ही आदमी को इंजेक्शन देना, उसके बाद उनको नष्ट कर देना है ना, फेंक देना। अगला कि
रक्त का जांच करके रक्तदान करना चाहिए। रक्त का जो जांच करना है फिर उनका रक्तदान करेंगे, ठीक है। अंग जो है पहले एचआईवी टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही जो है अंग डोनेट करेंगे, है ना। उसके बाद जो है हमारे जो अंग डोनेट ऑर्गेन जो डोनेट करेंगे, ठीक है। अगला, और ये जो एक सुई से जो टैटू बनवाते हैं वो एक सुई से एक ही आदमी का टैटू बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला बोले क्या कि शारीरिक श्रम मनाते समय कपुलेशन करते समय सेक्स करते समय जो है कंडम का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपको, ये आपको बचाएगा फैलने से, क्योंकि होने के बाद आप ठीक नहीं हो सकते हैं। जिनको एड्स हो गया उनकी जो मौत होगी बहुत खतरनाक होगी, आपको बता रहा है, क्योंकि उनमें धरती की सारा बीमारी आपके शरीर में प्रवेश हो गया है ना। तो खुजली हो रहा है, तो हर्ट आपको टीबी हो गया है, तो फिर जो है आपको निमोनिया हो जाएगा, ये तो मतलब जितना भी बीमारी धरती पर है, कुष्ठ हो गया, सारा बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तब जरा सोचिए क्या हाल होगा, है ना। अब जिंदगी आपका जो है मतलब आपकी जो मौत होगी मतलब वो भयंकर मौत होगा आपका। इसीलिए आपको बोले कि ये अगर हो गया तो उनकी मौत तो पक्की है, लेकिन इनको फैलने से कैसे रोकना, ये हम केवल कर सकते हैं, उनको बचाव कर सकते हैं कि फैलने से इनको रोकना है, ठीक नहीं कर सकते उनको। कि जिनको हो गया कि उनको हम ठीक कर लेंगे, ये एड्स में अभी तक इनकी दवाइयां नहीं बनी, इनकी वैक्सीन नहीं बनी है। थोड़ा सा डर लगता है मन में कि आपको बता दें कि एचआईवी जो है उनमें जीनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक उसी प्रकार जो कोरोना है, कोरोना के जो वायरस है इनमें भी जो है इनका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और आपको बता दें बड़ी दुख की बात है कि एचआईवी का खोज 1983 में हो चुका था और अभी तक इनका वैक्सीन नहीं बना है। थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना है, कोरोना का भी वैक्सीन यदि नहीं बना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए खैर छोड़िए, हम बात करते हैं यहाँ पर, ईश्वर करे कि बन जाए जो है हम रात होगा, है ना। हम लोगों का क्लास भी बंद है ताकि क्लास भी हम लोगों का होगा। चलिए तो हम आप लोगों को जो है यहाँ पर एड्स की जो है पूरी बात आप लोगों के सामने रख दिए। इसमें आप लोग जो है हम इनमें आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद होगा, और ये जो है आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।